मैन जी, आपने आज वोट डाला है फर्स्ट, इस समय जब वोट डालने आए हैं सुबह सुबह आने का तात्पर्य क्या था जी? तात्पर्य यह है कि उसके बाद में पूजा पाठ साधन इत्यादि करना होता है, तो हमने प्रारंभ में ही जो है ये मतदान कर दिया जाए। अब वैसे भी प्रचार चल रहा, पहले मतदान उसके बाद जलपान, पहले लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो हमने सोचा पहले क्यों नहीं जो है लोकतंत्र का पर्व मनाया जाए, उसके बाद और कार्य किए जाए। आप पंचवटी मंदिर के मुख्य महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, तो कितने साधु संत अभी और आएंगे यहाँ पर वोट डालने के लिए? लगभग वहाँ से लगभग 250-300 के करीब साधु संत यहाँ वोट डालने के लिए आएंगे, और जो पंचवटी से जुड़े हुए तो 10,000 की संख्या में सब पंचवटी के हैं, जितने भी देख रहे हो आप, तो मताधिकार का प्रयोग करेंगे और भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। मैन जी नमस्कार, आप वोट डालने के लिए आए हैं जी? जी, तो सबसे पहले पहले आने का कारण क्या है सुबह सुबह आने का? सुबह सुबह में अपने साधु बहुत रहते हैं, तो पहले हम लोग आ गए, फिर जैसे जैसे जिसकी जिसकी सेवा अपना ठाकुर सेवा करके फिर देश हित के लिए आकर के ये सेवा करेगा। कितने बजे वोटिंग करने आए थे? मैं तो सर इतनी एक्साइटेड थी, 5:45 आ गई यहाँ पर, और यहाँ डेली आती हूँ घूमने, वॉक करने, तो फिर मुझे था कि जल्दी से जल्दी आके सबसे पहले वोट करना है, और वोट कर दिया, कर दिया मैं। अच्छा, सब क्या सोच के वोट किया, क्या मुद्दे लगते हैं, क्या हो? विकास, वोट करना जरूरी है, जरूरी है, हमारा अधिकार है ये, और इससे एक एक वोट से आपको कितना कीमती है ये, और मैं तो सबसे कहूंगी कि सब घर से निकले जो नहीं आते हैं और वोट करें। जो आपका शुभ नाम? प्रशांत। प्रशांत जी, आज आपने वोट डालने के लिए मतदान केंद्र में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी, बहुत खुशी हो रही है, जो इंडिया के लिए जो विकास के नाम पे। पहले कितनी बार वोट डाले हैं जी आपने? सर मैं तो डालते ही आ रहा हूँ जी, 18 साल की। अभी पार्टी कॉलोनी में अभी अभी अंदर जब आप गए हो मतदान करने के लिए, तो कोई लाइटिंग की प्रॉब्लम दिखाई दी आपको? नहीं कोई तो, हाँ लाइटिंग की थी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, डाल दिया। 72 नंबर पोलिंग बूथ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, जो 2 मिनट का काम है वो 10 मिनट में हो रहा है, वो बेचारे ड्यूटी ऑफिसर मजबूर हैं करने, परेशान हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा SS गर्ग। गर्ग साहब आप रिटायर्ड? हाँ मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड ब्रांच मैनेजर हूँ। तो मतदान केंद्र में आपको क्या अव्यवस्था नजर आई? अव्यवस्था ये है कि प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, जो ड्यूटी वाले बैठे हुए हैं उनको बेचारों को बहुत दिक्कत हो रही है पर्ची सीरियल नंबर मिलाने में और देखने में, तो ये लाइटिंग की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आपको जो अपना नंबर ढूंढने में या सर्च करने में, मैंने किसका सहारा लिया? मोबाइल से लाइट दिखाई, जब जाके 6-7 मिनट बाद मेरा हुआ जब मैंने मोबाइल से लाइट दिखाई। तो आपकी तरह अन्य भी जो दूसरे आ रहे होंगे वो भी अपने मोबाइल से कर रहे होंगे? नहीं अब पता नहीं, मैं तो दिखा के अपना फ्री होके आ गया।